आप में से कितने लोगों को मेडिटेशन करना, कितनों ने ट्राई किया है कभी ना कभी मेडिटेशन करने का? सब ने ट्राई किया है? कितने लोग झूठ बोल रहे हैं? ऊपर रखो। अच्छा, ऑलमोस्ट सब ने ट्राई किया है, ट्राई किया, लेकिन उसके बाद में किसी को मुश्किल लगा होगा, किसी को आसान। तो कितने लोगों को मेडिटेशन करना, सच बोलना, ये नहीं कि यहां पे सिर्फ बोलना है कि आसान है, कितने लोगों को अभी आज की डेट में मुश्किल लगता है मेडिटेशन करना? मुश्किल लगता है। कितने लोगों को आसान लगता है? आसान मतलब कि वो एक घंटे तक बिना कुछ करे यहां पर आराम से बैठ सकते हैं, एक जगह पर टिक करके। सोच लेना, बिठा दूंगा मैं। बैठ सकते हो? अच्छा, तो बहुत कम लोगों को आसान लगता है, ज्यादातर लोगों को मुश्किल लगता है। तो आज के इस सेशन का मकसद ये है कि मेडिटेशन को बिल्कुल आसान बना दिया जाए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, पूरी दुनिया। मेडिटेशन एक रास्ता है सिर्फ ये समझने का कि किस तरीके से इस पास्ट को और फ्यूचर को छोड़ना है जिसकी पकड़ में अभी हम हैं, और जब चाहें अपनी मर्जी से इसको पकड़ना है। सबको पता है कि मेडिटेशन करना अच्छा होता है, सबको पता है, फिर हम क्यों नहीं करते? क्या वजह है कि हम मेडिटेशन नहीं करते? बोर हो जाते हैं। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। कितने लोगों को मेडिटेशन बोरिंग लगता है करना? यार क्या कर रहे हैं, एक दिन करा, दो दिन करा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद में क्या कर रहे हैं? ये भी कोई करने वाला काम है? जैसे जब बाहर जाओ, खेलो कूदो, खाओ पियो, मस्त रहो। ये एक मिथ है कि मेडिटेशन बोरिंग है, लेकिन इस मिथ के पीछे एक सच्चाई छुपी है कि मेडिटेशन करने के हजार रास्ते हैं, उन रास्तों में से 99% बोरिंग है, लेकिन 1% ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, खेल है, मजा है, मस्ती है, नशा नहीं कहूंगा उसको, नशा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मेडिटेशन जो बोरिंग है, अभी आपने कहा, किसी तरह से वो इंटरेस्टिंग हो जाए, तो क्या होगा? मजा। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आदमी बेकार हो जाए या लाश बन जाए, जाकर के बैठ जाए, ये नहीं है मेडिटेशन। लोग इसका मतलब ये निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ बेवकूफ लोग जो मेडिटेशन को समझ ही नहीं पाए, जिनको मेडिटेशन से ही प्यार हो गया, जबकि मेडिटेशन इसलिए करी गई थी कि बाकी सब चीजों से अटैचमेंट छूटे, उनकी सबसे अटैचमेंट छूट गई, पूरे संसार से, पूरी दुनिया से सबसे छूट गई, मेडिटेशन से अटैचमेंट हो गई। अब ऐसे आदमी का क्या इलाज है? जब भी आपको कुछ करने से अटैचमेंट हो गई या कुछ ना करने से अटैचमेंट हो गई, आप समझ जाओ आप गलत ट्रैक पे हो। अब और कोई पॉइंट कोई रह गया है कि क्यों नहीं करते हम मेडिटेशन? सबकी आदतें बहुत खराब है, जब तक डू और डाई नहीं होता, हम कोई भी काम नहीं करते, कोई बड़ा इंसिडेंट होना चाहिए उसके पीछे। व्हाट ही इज सेइंग इज कि जब तक, और ये बिल्कुल सच है, कि जब तक कोई डू और डाई सिचुएशन नहीं होती, जब तक कोई काम अर्जेंट नहीं हो जाता, तब तक हम उस काम को नहीं करते। इंपॉर्टेंट जो काम है करना, चाहे वो अर्जेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्लियर है, उसको हम उठा करके साइड में रखते हैं, और जब तक वो अर्जेंट ना बन जाए, हम उसको नहीं करते। ऐसे ही होता है हर काम के अंदर। तो अब मैं एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता हूं आपके अंदर। आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी, वो क्यों कर रहे हो? खुशी और शांति के लिए। सिर्फ खुशी के लिए? इस दुनिया की प्रॉब्लम ही यही है कि वो ये समझ रहे हैं कि जब मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। जब तक पैसा नहीं है, तब तक पैसा ही प्रॉब्लम है, कि पैसा मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। पैसा मिल गया, उसके बाद में जब मैं इस पैसे से ये सब चीजें बना लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। जब ये सब चीजें बन गई, अब क्या करूं, अब तो खाली हो गया, अब मैं ये कर लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, ये भी कर लिया, अब क्या करूं, अभी भी खुशी नहीं मिल रही, अच्छा शायद मैं मेडिटेशन कर लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। मेडिटेशन भी कर ली, खुशी नहीं मिली, अब क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करना, खुशी यही है, कल में है ही नहीं। मैं खुश हो जाऊंगा तो खुशी मिल जाएगी, ये भी अपने आप में एक ट्रैप है। मैं खुश हो जाऊंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। खुश हो जाऊंगा यहां है और खुशी यहां है।
अब मैं आपको सीधा पॉइंट पे आता हूँ, बताता हूँ कि अब एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जो टेक्निक है अब हम उसकी बात करते हैं। आपको जो मिले हैं ईयरप्लग्स वो आपको लगाने हैं। अभी इस समय अगर आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं तो ईयरप्लग्स आपको किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएंगे, अपने घर के पास में आप जाएंगे, ये 15 रुपये के मिलते हैं, विच यू कैन बाई इट फ्रॉम एनीवेयर। और ये बहुत ज़रूरी है इस मेडिटेशन को करने के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो क्यों है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इफ़ इन केस आपको ये कहीं नहीं मिलते, वैसे तो मिल जाएंगे, अगर कहीं नहीं मिलते तो आप इसकी जगह पर अपने मोबाइल के ईयरफोन्स लगा सकते हो, लेकिन उससे जो नॉइज़ है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती, शोर बंद नहीं होता। और दूसरा, आप कॉटन लगा सकते हो लेकिन उसकी भी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आइडियली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। एक बार दिखाएंगे मेरे को कहाँ है वो। तो ये है जो एक 3M कंपनी का है, और ऐसी और भी कई कंपनीज के आते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या है मेडिटेशन के अंदर, कि बैठना कैसे है। अब इसमें भी बड़े बड़े मिथ हैं, ऐसे बैठो वैसे बैठो, वो अच्छा है वो बुरा है, सब अच्छा है जब तक कि आपकी बैक सीधी है। और चेयर पे बैठ करके मेडिटेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सा फंडा है, सीधा सा। कोई भी पोज अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है उसमें भूल के भी मेडिटेशन मत करो, क्योंकि अगर आपको वो अनकंफर्टेबल लगेगा तो आपका ध्यान दर्द की तरफ चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी कंफर्टेबल पोज चूज करना है। अगर कुर्सी पे आप बैठे हो, हल्का सा आगे आ जाओ, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं, हल्का सा आगे, तो बैक अपने आप सीधी हो जाएगी। गर्दन सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हल्की सी टकडेन होनी चाहिए गर्दन। और जो आंखें हैं, जब बंद हो गई तो बंद होने के बाद में आपको ना नीचे देखना है ना बहुत ऊपर देखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब मैंने मेडिटेशन किया तो मेरे यहाँ पर बहुत तेज दर्द हुआ। कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है, दर्द हुआ, यहाँ पर दर्द होता है। भाई दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जोर लगा रहे हो, आप यहाँ कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही आप हल्का सा भी जोर लगाने लग जाओगे यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ मत करो, आप ऊपर देखोगे दर्द होगा, नीचे देखोगे आपको नींद आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आप बैठ गए और सबसे पहले 10 ब्रेथ लेनी है, 10 सांसें लेनी है गहरी। जब भी आप सांस छोड़ोगे उसके साथ में 10 को जोड़ दो, फिर अगली सांस छोड़ी तो 9 को जोड़ दो। लेकिन मन में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है ना, मतलब कि अगर आपने ऐसे किया तो 10, और बोलना भी ऐसे है मन में, तेज चीख करके नहीं, जैसे मन में भी कई तरीके होते हैं बोलने के, 10 अमरीश पुरी की तरह नहीं बोलना, आराम से, जैसे कोई विस्पर कर रहा है आपके कानों में, मतलब बहुत धीरे से अपने आप को बिल्कुल धीरे बोल रहे हो। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हो काउंटिंग में, अपनी बॉडी को माइंड को रिलैक्स करते चले जाना, नोट करना किस तरीके से चीज़ें रिलैक्स हो रही है। मतलब अगेन करने की कोशिश नहीं करनी, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती चली जाएंगी। तो 10 से आप गए 9 पे, 9, 8 और 0 तक जाना है। जब तक आप 0 पे जाएंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो आपका माइंड है वो ब्लैंक हो गया। लेकिन ये एंड नहीं है मेडिटेशन का, कहीं आप सोचो बस यही था यार। अब यहां से खेल शुरू होता है। अब बड़े ध्यान से समझना जो चीज मैं बोलने वाला हूं। इस दुनिया में दो तरह की आवाजें हैं, एक वो जो बाहर से आ रही है, जैसे एसी की आवाज आ रही है सबको, अभी मेरी आवाज आ रही है यहां पे, अभी हल्का सा ठक ठक हुआ, हाई सुनो बाहर, यहां पर कौन कौन सी आवाजें आ रही है, अभी सबने बोला आवाज हुई, ये बाहर की आवाज है। हमें पता है सबको बाहर की आवाज क्या है, कुछ आवाजें हमारे अंदर है, कुछ आवाजें हमारे अंदर है, जिसमें से कुछ आवाजों को आप जानते हो और कुछ को नहीं जानते, उनको जानना है। अंदर की आवाज कौन सी है कोई बताएगा, एग्जाम्पल, हार्ट बीट। और अंदर की आवाज कौन सी है, सांसों की आवाज। ऐसे ही अंदर और भी बहुत सारी आवाजें हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। वो आप पकड़ोगे कैसे, जब आपने कान में लगा लिया और लगाने के बाद में बाहर से आवाज आनी बंद हो गई, तो इसका मतलब कि जो भी आवाज आ रही है वो अंदर से आ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उन आवाजों की तरफ चला जाएगा, आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आपको दिल की धड़कन सुनाई देने लग जाएगी, धीरे धीरे इन आवाजों के साथ में आप देखोगे पीछे से एक आवाज आ रही है, इन आवाजों के पीछे, पीछे मतलब ऐसे भूत नहीं है कहीं,
इन आवाजों के पीछे एक और बारीक आवाज है, मतलब आवाज धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी। हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, जो सबसे भारी आवाज होती है उसको हम जल्दी सुन लेते हैं, जो सबसे हल्की आवाज होती है वो खो जाती है, और जो बिल्कुल हल्की होती है बिल्कुल खो जाती है, वो गायब हो जाती है। क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं है मैं बोल नहीं रहा था, मैं बोल रहा था। ऐसा नहीं आप सुन नहीं सकते थे, आप सुन सकते थे, लेकिन हमारी हैबिट क्या है, हम पतली आवाजों को छोड़ देते हैं, हमारा ध्यान सीधा बड़ी आवाजों की तरफ चला जाता है। इसमें आपको थोड़ा सा उल्टा करना है। आपको क्या करना है, पहले आपने ब्रेथ की आवाज को सुनना शुरू किया, सुनते सुनते आपको इसके पीछे से, इस ब्रेथ के पीछे से एक पतली सी आवाज सुनाई देगी। वो पता है कैसी होगी? हो सकता है किसी को झिंगुर की आवाज सुनाई दे। जैसे कभी किसी के साथ में हुआ है कि हम कहीं कहीं किसी हिल स्टेशन पे गए और वहां पर लेटे हुए हैं और एकदम से एक झिंगुर की आवाज आ रही है कान के अंदर, सुना है? या दिवाली के टाइम पे एक बम फट जाता है हमारे कान के पास में, तो क्या होता है? किसी को हो सकता है पानी गिरने की आवाजें आए, झरने की आवाजें आए, किसी को हवा की आवाज आए, किसी को शंख की आवाज आए, ऐसा लगेगा कान के अंदर कहीं पर शंख बज रहा है। अब ये आप नहीं भी चाहोगे, अब देखो मेडिटेशन में और इसमें क्या फर्क है, अब तक की आपने जितनी मेडिटेशन करेगी और उसमें, वहां आपको अपने ध्यान को लगाना पड़ रहा था। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत माइनर सा फर्क है लेकिन ये मेजर डिफरेंस लेकर के आने वाला है। और सब मेडिटेशन टेक्निक्स में आपको अपने ध्यान को कहीं लगाना पड़ता है और ध्यान बार बार भागता है, कभी थॉट्स की तरफ, कभी आवाज की तरफ, कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, होता है? मेडिटेशन कर रहे होते हैं एकदम से आवाज आती है उधर से, अरे भाई खाने में क्या बना है, सारी मेडिटेशन भंग गई। ऐसे ही होता है क्योंकि आप ध्यान को वहां रोकने की कोशिश कर रहे हो, और ध्यान को रोकना जब तक कि आप पूरे तरीके से नहीं समझ जाते कि ध्यान है क्या, रोकना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपके लिए। तो ध्यान को रोकना नहीं है, बाकी जगह पे आप ध्यान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो धीरे 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 धीरे। यहां पर आप क्या कर रहे हो, जैसे ही ऐसी आवाजें आपको सुनाई देंगी ये आपके ध्यान को अपनी तरफ खींच लेगी। मतलब समझ रहे हो, वहां पर आप अपने ध्यान को यहां रोकने की कोशिश कर रहे हो, यहां पर ध्यान ऑटोमेटिकली एकदम रुक जाएगा, एकदम स्थिर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या आ रही है। एकदम से एक आवाज आएगी, आप कहोगे ये क्या है, आप नहीं भी सुनना चाहोगे, आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ जाएगा, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा और आप देखने लग जाओगे इसको, आपको कुछ नहीं समझ आएगा ये क्या हो रहा है। देखो कभी भी नोट करना कि जैसे ही हमको कोई चीज नहीं समझ आ रही होती तो हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है। जब तक हमारे लिए कोई भी चीज नई होती है हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है। आप किसी नई जगह पर जाओ पहली बार, किसी हिल स्टेशन पे जाओ, तो क्या होगा, आपका ध्यान पूरे तरीके से वहां पर है, आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऐसे ही होता है, एक एक चीज को देख रहे हो बड़े ध्यान से, अरे ये क्या है, अरे वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। वहां दूसरी बार जाओ क्या होगा, तीसरी बार जाओ क्या होगा, पांचवी बार जाओ क्या होगा, आप वहां बैठे होगे लेकिन अपने काम कर रहे होगे, माइंड के अंदर अपने काम के बारे में सोच रहे होगे, ऑफिस के बारे में सोच रहे होगे। ऐसे ही होता है हर एक चीज के अंदर, ऐसे ही होता है अगर आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे कि जब भी कोई चीज ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती, जो हमारे समझ से बाहर होती है, तो हम सेंटर में आ जाते हैं। समझ ही नहीं आ रही, क्या करें, कुछ करने को है ही नहीं। अगर आपको समझ आ गई, समझ कहां आएगी, अगर मेमोरी में कोई चीज पड़ी हुई है और आपको समझ आ गई तो आप एकदम से उसमें लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दोगे। आपने एक ट्रक की आवाज सुनी फॉर एग्जाम्पल बाहर से और आपको सुनाई दे गई, तो आप क्या कहोगे, अरे ट्रक की आवाज है, ठप्पा लग गया, मतलब माइंड के अंदर कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। बट अगर अंदर से आपको ऐसी आवाजें आई जो आपको समझ ही ना आए, मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है कि ऐसी आवाजें होंगी, ऐसी ऐसी आवाजें होंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा नंबर वन कि ये आ कहां से रही है, नंबर दो ये क्या है, नंबर तीन ये किसकी है, कुछ नहीं समझ आएगा, आप दंग हो जाओगे, आप सुन हो जाओगे। जैसे आप सुन हो गए काम हो गया, आप सेंटर में आ गए, अब चीजें जैसी हैं वैसी आपको दिखने लग जाएंगी। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बताऊं फिर इसके आगे और आपको क्या करना है, बस एक चीज छोटी सी रह गई है कि जो भी आवाजें आएंगी ना उसको राइट साइड से सुनना है, मतलब अपने राइट साइड से सुनना है। हो सकता है आपको लेफ्ट साइड से भी आ रही हो, बट दैट इज ओके। धीरे धीरे आपको उस आवाज को, अपने ध्यान को यहां पर ले आना राइट साइड में, ऑटोमेटिकली वो आवाजें आपको राइट साइड से आने लग जाएंगी। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन में और गहरे जाते चले जाओगे, अंदर जाओगे, तो ये सारी आवाजें सेंटर में आ जाएंगी धीरे धीरे। और फिर एंड में आपको एक जो लास्ट गोल है इसका, वो रियलाइज हो जाएगा। और वो हो सकता है किसी को 10 दिन में हो, 20 दिन में हो, सकता है किसी को महीना लगे, किसी को साल लगे, लेकिन वो लास्ट गोल क्या है, यहां पर एक आवाज है दिल में, उसको अनाहता नाद बोलते हैं।
अनहत नाद, अनहत मतलब जिसकी कोई हदें नहीं है, बिना किसी आहट के, जिसमें कोई आहट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक हाथ की ताली, आपने दो हाथ की ताली सुनी होगी कि उसकी आवाज़ कैसी होती है, सोचो एक हाथ की ताली कैसी होगी उसकी आवाज़, वो सन्नाटे की आवाज़ है। उस आवाज़ को आपको सुनना है, सुन क्यों नहीं पा रहे उस आवाज़ को? अगर उस आवाज़ को माइंड ने सुन लिया तो माइंड खुद को पहचान जाएगा, अरे मैं यही हूँ। एक मिनट में माइंड अपने आप को देखेगा और सब कुछ खेल समझ आता चला जाएगा, माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। माइंड शांत हो गया, आप ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाओगे, कुछ करने को नहीं रह जाएगा। लेकिन सुन क्यों नहीं पा रहे? बीच में शोर है, बहुत शोर है। जब हम बोलते हैं तो शोर होता है, सुनते हैं तो शोर होता है, तीसरे तरह का शोर और है। उससे पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों शोरों के लिए क्या किया है। नंबर एक, मेडिटेशन के टाइम पे आप बोल नहीं रहे। नंबर दो, जब आप सुनते हो शोर होता है, वो भी खत्म हो गया इसके थ्रू, ईयरबड के थ्रू। ये जो आपने ईयर प्लग लगाया, इससे क्या हुआ? सुनना बंद, ये वाला शोर खत्म, बोलने वाला शोर खत्म। एक तीसरे तरीके का शोर है जिसको खत्म करना है, जो हर मेडिटेशन का लास्ट गोल है या मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है। वो क्या है? कि हम अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी नोट किया है? नॉन स्टॉप। इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां बैठे हुए हो और मैं 24 घंटे आपके कान में आकर के कुछ बोलता रहूं, अरे क्या हुआ, वो किया क्या, अरे वो काम करना है, अरे वो कहीं रह ना जाए, अरे उसकी लास्ट डेट आ गई है, अरे वहां पर वो बच्चों को वहां भी लेने जाना है, ये दिक्कत हो गई, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए, यार मेरा मन तो है ये काम करने का, पता नहीं करूं ना करूं, समझ नहीं आ रहा, ये कर तो लूंगा लेकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, चल कर ही लेता हूं, अरे नहीं हुआ तो क्या होगा। यही होता है, 24 घंटे चलता है। अब साइंटिफिकली आपको समझाऊं कि एग्जैक्टली क्या करना है। कितने लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि इसको राइट साइड से क्यों सुनना है, इस आवाज को राइट साइड से क्यों सुनना है, वो मैं आपको अब साइंटिफिकली बता देता हूं। हमारी जो ब्रेन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। दोनों आपस में कनेक्टेड है लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग अलग है। इसको लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं, इसको इंट्यूटिव ब्रेन बोलते हैं, जहां इंट्यूशन चलती है। आपका कॉन्टैक्ट हुआ किसी चीज के साथ में, चाहे वो थॉट के साथ में हुआ, चाहे मेरे साथ हुआ, चाहे किसी आवाज के साथ में हुआ, जैसे ही हुआ आपको आवाज आई, आपने इमीडिएटली यहां पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई, अरे ट्रक की आवाज है, जैसे ये पिक्चर दिखी, अरे कितनी खराब पिक्चर है, कोई बदबू आई, अरे बड़ी गंदी स्मेल है, कोई अच्छी स्मेल आई, अरे वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। होता है ऐसा, अंदर कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है। जैसे ही अंदर बातचीत शुरू हो जाती है, शोर शुरू हो जाता है। इस बातचीत को किसी तरीके से बंद करना है। अब साइंटिफिकली उसका क्या तरीका है? जिस आवाज को आप राइट साइड से सुनते हो, उसकी प्रोसेसिंग हमारी लेफ्ट साइड की ब्रेन करती है। मतलब जो लेफ्ट साइड की ब्रेन है वो राइट साइड के सारे फंक्शंस को चलाती है, और जो राइट साइड की ब्रेन है वो लेफ्ट साइड के सारे फंक्शंस को चलाती है। इससे होगा क्या, इस पूरी की पूरी प्रोसेस से साइंटिफिकली, जैसे आपने राइट साइड से किसी भी आवाज को सुना, और एक ऐसी आवाज को, अब अगर मैंने राइट साइड से आपको एक ऐसी आवाज सुना दी जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे बोलना शुरू कर दिया कोई भी ऐसा नाम जिसकी एक फॉर्म बनी हुई आपके माइंड में, राम 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 राम, तो क्या होगा, राम की इमेज बन जाएगी। जैसे ही राम की इमेज बन जाएगी क्या होगा, यहां पर बातचीत शुरू हो जाएगी कि राम भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, बट बातचीत शुरू हो जाएगी, हे भगवान ये करो वो करो वो करो वो करो, शुरू हो गई बातचीत। जैसी बातचीत शुरू हो गई आप यहां से हट गए। तो इन आवाजों को आप में से कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, आपके बहुत पास है लेकिन फिर भी इतना दूर है, यहां से निकल रही है लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान दोगे तो एक सेकंड में सुनाई दे जाएगी। जैसी सुनाई देगी माइंड ब्लैंक हो जाएगा, इधर वाले माइंड को कुछ नहीं पता क्या है, बस ये पता है कि आवाज आ रही है, वो अलर्ट हो गया। इधर वाले माइंड को कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोलूं इसके बारे में, तो वो चुप हो गया बिल्कुल। आप ऑटोमेटिकली यहां से हट करके यहां आ गए, सेंटर में आ गए, आपका दिमाग बंद हो जाएगा। मेडिटेशन का मकसद क्या है? दिमाग पूरे तरीके से बंद नहीं हुआ, मतलब दिमाग मरा नहीं है, दिमाग ने बोलना बंद कर दिया और दिल खुल गया। ये साइड जो है वो हार्ट से कनेक्टेड है, दिल बड़ा होने लग जाएगा और माइंड छोटा होने लग जाएगा, धीरे धीरे माइंड जीरो हो जाएगा, हार्ट बड़ा होता चला जाएगा, और सारा खेल दिल का है, सारा प्यार यहां है, कंपैशन यहां है, क्रिएटिविटी यहां है, सब कुछ यहां है, पीस ऑफ माइंड यहां है। पीस ऑफ माइंड क्या है? जब माइंड शांत हो जाए उसको बोलते हैं पीस ऑफ माइंड, कि माइंड शांत है। माइंड कब शांत होगा? जब माइंड कुछ ऐसा देख रहा है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता,
और सोचो अगर वो कुछ ऐसा हो जिसके बारे में आप चाहो भी तो जिंदगी में कभी जान ही ना पाओ, तो क्या होगा? हमेशा के लिए माइंड शांत हो जाए, समझ गए? अब उससे कनेक्शन बन रहा है जो मैंने कहा था, इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ नया है, बोरिंग नहीं है क्योंकि कुछ नया है, एक्साइटिंग है क्योंकि रोज कुछ नया है, ऐसी एक आवाज नहीं है, पूरा का पूरा म्यूजिक है, अरे पूरा संगीत है, एक सुर है अंदर, एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जब वो सुनाई देने लग जाएगा आपको, धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लग जाओगे। और आगे कैसे बढ़ना है? सबसे पहले सांसों को पकड़ा, जो सबसे वो है, फिर उसके बाद में इसको पकड़ा, अपनी हार्ट बीट को पकड़ा, उसको छोड़ा, उसके बाद में और पतली आवाज देखी कौन सी आ रही है, फिर और वहां से दूसरी और उससे पतली आवाज, फिर और पतली, फिर और पतली, फिर और पतली, एक दिन आप एक ऐसी आवाज पे पहुंच जाओगे जिसके आगे और कुछ नहीं, उसको छोड़ा तो आप भी छूट गए, आप भी नहीं होंगे। उसी आवाज को ओम बोलते हैं, वो ओम की आवाज है, सारे वेद ओम में से निकले हैं, इसको बोलते हैं द एसेंस ऑफ ऑल वेद। इस्लाम में जो सूफी लोग हैं, सूफियों के अगर आप कभी भी गाना सुनोगे, कुछ भी सुनोगे, वो क्या बोलते हैं? अल्लाह हु, अल्लाह है, मतलब कि हु है, ओम ए यू एम, इसके बीच में क्या आया? यू, यू को आप कैसे बोलोगे? हु, कोई फर्क है? इस्लाम भी वही कह रहा है, सूफी भी वही कह रहे हैं जो हिंदू कह रहे हैं, बाइबल में भी यही कहा गया है, इन द बिगनिंग देयर वाज अ वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड, शब्द था शुरुआत में। सोचो शुरू में शब्द कैसे हो सकता है, सोचो, जब कुछ नहीं था इस पूरी दुनिया में तब एक शब्द था, इसी शब्द को हिंदी में भगवद गीता में क्या बोलते हैं? अक्षर, अक्षर मतलब कि अक्षर, इम्पेरिशेबल, जिसको मारा ना जा सके, अक्षर, अक्षर योग का पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया गया कि अक्षर क्या है, जहां कृष्ण भगवान इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ कि वो मेरा परम धाम है अक्षर, और वो ओम है जहां से सब निकले हैं, वो हु है, वो राम है, वो रहीम है, वो अल्लाह है, वो जीसस है, वो क्राइस्ट है, कुछ भी बोलते रहो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोलते रहो, सब उसी के नाम है, उसी एक के नाम है। इसी को नानक जी क्या बोलते हैं? अपना एक ओंकार बोलते हैं। एक ओंकार का मतलब क्या है, कभी सोचा? एक ओम का जो आकार है वो ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, और ओम क्या है? निराकार है, यही है। तो सब एक ही चीज की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह से कर रहे हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह से, बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। एक है कि आप घूम 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 करके वहां तक पहुंचो, एक है लास्ट में आप सीधा खट करके यहां पर पहुंच जाओ। जिसको सुनाई देना होगा, सुनाई किसको देगा? जिसका मन साफ होता चला जाएगा, जिसके मन में जितना शोर होगा उसको उतना ही टाइम लगेगा इस ओम को सुनने में, मतलब कि आप इसको जितना सुनने की कोशिश करोगे उतना ही लेट सुनाई देगा। क्लियर हो रहा है? जितना सुनने की कोशिश करोगे उतना ही लेट सुनाई देगा, जितना नहीं कोशिश कर रहे बैठ गए सुनाई देने लग जाएगा। आप कुछ मत करो, कान में लगा करके आराम से बैठ जाओ, मत सुनो, बोलोगे मैं नहीं सुनना चाहता तब भी सुनाई देगा। क्लियर हो रहा है? ये हमारे सुनने की कैपेबिलिटी ही ऐसी है, जो हमारी बॉडी का ऑर्गन सबसे पहले काम करना शुरू करता है। मतलब ये काम आप आज से नहीं कर रहे, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से कर रहे हो, तब से हम सुनना शुरू कर देते हैं। ये ऑर्गन हमारा सबसे पहले डेवलप होता है सुनने का, ये वाला जो है अंदर का, और सबसे लास्ट में ये छोड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जब एक आदमी जा रहा होता है उसके कान में जाकर के राइट साइड पे कान में धीरे से बोलो राम 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 राम। क्यों बोलते हैं? किसी ने सोचा? दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। प्रेयर हम क्या समझ रहे हैं कि हम चुप हो गए, जाकर के मंदिर में हाथ जोड़ करके बैठ गए और अपनी इधर लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव कर लिया। मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूं, लेफ्ट ब्रेन को हमने एक्टिव कर लिया और हम भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। यही समझते हैं प्रेयर? जैसे मैं बचपन में करता था, मेरे को वो प्रेयर अभी तक रटी हुई है, जब मैं बचपन में मेरे को सिखाई थी कि हे भगवान मुझे बल दो, बुद्धि दो, आयु दो, मैं खूब अच्छा लड़का बनूं, पढ़ाई में भी होशियार बनूं, अभी तक रटी हुई है ये प्रेयर। इसको हम प्रेयर समझ रहे हैं। अरे ना भाई, ये प्रेयर नहीं है, ये प्रेयर नहीं है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर क्या है? जब आप कुछ भी नहीं बोल रहे, ना मुंह से ना माइंड से,
आप अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दो, तब जो होगा वो प्रेयर है। क्योंकि जो आपको सुन रहा है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। जैसे ही उससे कुछ मांगोगे आप उससे दूर हो जाओगे। उससे कुछ मत मांगो, वो सब जानता है, उसको सब पता है, उससे कुछ होगा नहीं। कुछ मत मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। ये मेडिटेशन है, मतलब कि कुछ करना ही नहीं है। अगर कभी एक्सपेरिमेंट करना हो, कभी एक्सपेरिमेंट करना हो या खेलना हो, क्योंकि मैंने गाना ये ज्यादा सीरियसली मतलब इनसे बात हो, खेलो, खेलना हो, खेलने का तरीका बताऊं? बोलो मुझे मेडिटेशन नहीं करना, मन में मतलब ये मेडिटेशन क्या है, सुनना ही तो है। आप क्या कह रहे हो कि मुझे नहीं सुनना? करो कोशिश ना सुनने की, तब भी सुनाई देगा। ये खेल है, ध्यान बाहर जा रहा है, ले जाओ बाहर, एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या होगा। ध्यान बाहर गया, जैसे ही आप इन अंदर की आवाजों को पहचान लोगे, ये आवाज अपनी तरफ आपका ध्यान खींच लेगी। आपको ध्यान यहां लाना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिटेशन में गहरे होगे इसमें, अपने आप ही खींचेगा आपको अपनी तरफ, अपने आप खींच लेगा, अपने आप ला करके यहां पर आपको कड़ा देगा ये, जैसे ही आप कहीं जाओगे। तो अब आपके पास में चॉइस होगी, आप यहीं रह करके आप ये भी कर सकते हो, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब हजारों चीजें कर सकते हो बिना किसी एक भी चीज से अटैच हुए। आप कुछ भी पा सकते हो, कोई चीज भी इंपॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई चीज आपके बाहर है ही नहीं। और कुछ भी खो सकते हो, क्योंकि खोने के बाद भी जिसको पाओगे उसके अंदर ही सब कुछ है, बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। कानों में वो लगा लेते हैं एक बार। देखो इसको पहले अच्छे से आपको रोल करना है, जैसे हम न्यूज़पेपर के साथ आपने कई बार किया होगा, ऐसे फाड़ करके ऐसे ऐसे रोल किया होगा ऐसे ऐसे रोल करना है, और फिर रोल करके कान के पास ले जा करके, और फिर इसको अंदर इंसर्ट करना है, और यहाँ पीछे से इसको दबा करके रखना है कम से कम 10 सेकंड तक। उससे क्या होगा, ये अंदर ओपन अप हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसको इंसर्ट करेंगे तो ये नहीं होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 20 मिनट के लिए आराम से बैठ करके, पहले 10 ब्रेथ्स होंगी, उल्टी गिनती गिनेंगे 0 तक खत्म, उसके बाद में ब्रीदिंग को नॉर्मल कर दिया, और जो सुनाई दे रहा है अंदर से बस उसको सुनना है। बाहर से अगर कोई आवाज़ आई भी, किसी के खांसने की आवाज़ आई या किसी तरह की कोई आवाज़ आई, ध्यान जाता है जाने दो, आप देखना अपने आप अंदर आ जाएगा। करने की कोशिश मत करो, अपने आप ही ध्यान बाहर गया खांसी की तरफ, अपने आप आ जाएगा। जितना आप उससे इरिटेट होगे उतना ही वो आपको तंग करेगा। थॉट्स आए कोई बात नहीं, आने दो, अपने आप वो आवाजें आपका ध्यान आपकी तरफ खींच लेगी, अपने आप यहां ले आएगी आपको। ये वाली लाइट्स आप बंद करवा दो। अब आप बताइए मेरे को, आपका लोगों का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा? आप सबसे पहले तो कितने लोगों को सांसों के और दिल की धड़कन के अलावा कोई और आवाज़ भी सुनाई थी? ध्यान लगाना पड़ रहा था उसकी तरफ, या वो बार बार ध्यान खींच रही थी? बार बार आप मेडिटेशन में जा रहे थे, है ना, आप मेडिटेशन कर नहीं रहे थे, ऑटोमेटिकली हो रहा था सब कुछ। अच्छा, बाकी सब आवाज़ें बंद हो गई थी। मैं आपको तीनों स्टेजेस बता देता हूँ क्या है इसकी। पहली है कि जब कोई नहीं आ रही तो ब्रेथ तो है ही, ब्रेथ भी तो आपके अंदर ही है ना, ये भी उसी की आवाज़ है। ये सांसें निकल कहाँ से रही हैं, कभी सोचा है सांसें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? अगर आपके अंदर से मैं सांसें निकाल लूँ 5 मिनट के लिए, क्या होगा? ख़त्म। तो ये सांसें जहाँ से आ रही हैं और जहाँ जा रही हैं, वहीं से ये आवाजें भी आ रही हैं और जा रही हैं। सांसें उसका थोड़ा सा बड़ा रूप है जिसको आप आराम से सुन पा रहे हैं, बाकी छोटे छोटे हैं जो सुनना शुरू करेंगे धीरे धीरे सुनाई देगा। तो जब तक कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सांसों को सुनना है, इसके साथ में अपने आप को जोड़ करके रखो। नहीं भी जोड़ना, थॉट्स के साथ में जाने दो, जहां ध्यान जा रहा है जाने दो, बाहर की आवाज पर जाने दो, अपने आप ही अंदर की आवाज आपको खींच लेगी। इसमें इतनी पावर है, इतनी ज्यादा इसके अंदर अट्रैक्शन है, ये अपनी तरफ खींच लेगी आपको। जिसको इसके आगे की कोई आवाज़ सुनाई दी,
जैसे कोई बता रहा है किसी को झिंगूर की सुनाई थी, कितने लोगों को दी? झिंगूर की आवाज सुनाई थी। और कौन कौन सी आई? कोयल की आवाज आई, तो आपको तो मजे आ गए होंगे यार। कोयल कुकू करे। किसकी? हाँ एग्जैक्टली, जैसे एक लाइट ऐसे होती है ना, बुझती है, जलती है, जैसे तारे हम देखते हैं आसमान में, तारे कैसे लगते हैं अगर ध्यान से आप देखोगे, ऐसे नहीं लगता जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, तो ये आवाजें तारों के जैसी होगी, तारों के जैसी होगी, बीच बीच में आएगी जाएगी। और कई बार क्या होगा, आप सांसों के बाद में एक आवाज आपको सुनाई दी झिंगूर की, उसके बाद में और पतली एक आवाज आएगी, वो आई और एकदम से चली गई और झिंगूर की आ गई, उसके अंदर से आपको झलक दिखी, ठीक है। तो अभी आपको उस आवाज को नहीं पकड़ना, पहले झिंगूर की आवाज में गड़ना है। जब आप इसमें गड़ गए थोड़ी देर के लिए, अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे गई, तब इसके साथ में ही आपको एक और आवाज सुनाई देगी जो हल्की सी देरी होगी। तो अपने ध्यान को झिंगूर से हटा दो, वहां ले जाओ, फिर वहां से हटा दो और आगे ले जाओ, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। एक कन्फेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ये तो बता देते हैं कि मेडिटेशन सबको करना चाहिए, हर चीज का प्लस माइनस होता है, तो मेडिटेशन का भी एक प्लस माइनस है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मेडिटेशन का माइनस क्या है। मेडिटेशन सिर्फ एक टूल है, एक हथियार है वहां पहुंचने का, या ये कहो कि एक नाव है जो आपको पार लगा देगी, लेकिन अगर आपने उस पार होने के बाद में उस नाव को नहीं छोड़ा तो उसका कोई इलाज नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब आगे बढ़ते 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 मेडिटेशन आप करोगे नहीं, मेडिटेशन अपने आप ही छूट जाएगी। उस समय जब वो छूट रही हो तो पकड़ने की कोशिश मत करना, लालच मत करना कि अब मुझे ये दिख जाए, वो दिख जाए, वो दिख जाए, वो दिख जाए, कोई अंत नहीं है। जब इसको जान लिया तो बस यहां पर गढ़ना है। दूसरा कन्फेशन विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का काम ऐसा होगा जो, और मैं इसको मजाक में नहीं बोल रहा, मैं बड़ा सीरियसली बोल रहा हूं, कि हो सकता है आपका काम ऐसा हो जहां पर के बिना गुस्से के, बिना गुस्सा किए आप काम कर ही नहीं सकते। ऐसे भी कुछ लोग हैं, और जब मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझा तो मैंने तो, मेरे को तो वो समझ नहीं आई, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार शायद वो बंदा अपनी जगह पर ठीक है। जैसे मेरे एक अंकल है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ लोगों को, तो उनकी जो आंखें हैं, आईब्रोज हैं, वो हमेशा ऐसे रहती हैं, ऐसे ऐसे, और बात बात पे जैसी कोई बात ऐसी मेरे मुंह से निकलती है जो उनको ठीक नहीं लगती तो उनकी नाक फूलने लग जाती है। हंसते हुए मैंने उनको कभी देखा नहीं। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस देख करके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि अंकल चक्कर क्या है, आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? कहते बेटा मेरा काम ही ऐसा है, मेरी आदत हो गई, मेरा काम ही ऐसा है, अगर मैं गुस्सा ना करूं अपने आदमियों पे, उनकी फैक्ट्री है, कहते कि अगर मैं गुस्सा ना करूं अपने आदमियों पे, चार गालियां ना दूं उनको, और पी करके उन्होंने दो चार गालियां दी, कहते जब तक उन डैश डैश को ये ना किया जाए तब तक कोई काम करके राजी नहीं है। हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिना गुस्से के आपका काम नहीं चलने वाला, आपकी फैक्ट्री नहीं चलने वाली, तो प्लीज़ भाई मेडिटेशन मत करना, गुस्सा खत्म हो जाएगा, नहीं किया जाएगा। मुझे कई बार अपने में बड़ी हंसी आती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर गुस्सा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो फैक्ट्री वाला, वो जो मेरे अंकल हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उनकी फैक्ट्री में कोई ढंग से काम ना करे तो उस पर गुस्सा करते हैं, उसको गालियां निकालते हैं। आज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, अंदर तक इस बात को जानता हूं, मेरी फैक्ट्री होगी ना उसमें आग भी लग जाएगी तो मुझे हंसी आएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं सीधा पूछूंगा हाँ भाई फायर ब्रिगेड को बुलाया गया? कोई बात नहीं, बुझा लो, नहीं बुझती तो चलने दो, कोई नहीं दूसरी फैक्ट्री लगा लेंगे, आएगा ही नहीं। तो गलत, आप चाहोगे भी तो आप किसी के साथ में गुस्सा नहीं कर सकते। तो ये है पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है कि हो सकता है आपका काम ही ऐसा हो जहां पर आपको लोगों को झूठ बोलना पड़ता हो या धोखा देना पड़ता हो। ऐसे बहुत काम है आज के टाइम में, बहुत काम है, और यहां पर भी पता नहीं ऐसे कितने लोग बैठे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप झूठ बोलोगे ही नहीं तो आपका माल बिकेगा ही नहीं, और झूठ भी ऐसा जिससे सामने वाले का नुकसान है। एक झूठ ऐसा है जिससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है, वो तो आप बोल लोगे, वो तो मैं भी बोलता हूँ कई बार, जिसमें सामने वाले का नुकसान नहीं है। तो आप ये नहीं कि आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओगे, लेकिन अगर आपको पता होगा कि आपका ये झूठ बोलने से, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डर है, उसके आप फ्लैट्स बेचते हो और आपको पता है कि वो बिल्डर फ्रॉड है, वो चोर है, फिर भी आप उसके फ्लैट बेच रहे हो क्योंकि आपको कमीशन मिलने वाला है। तो अगर आप ऐसे बिजनेस में हो गए, ऐसी लाइन में हो गए, आप भूखे मर जाओगे, आप वो फ्लैट नहीं बेचने वाले उसका, आप कर ही नहीं पाओगे, खत्म हो जाओगे आप झूठ बोल ही नहीं पाओगे, आप उसका बुरा कर ही नहीं पाओगे। दूसरी तरफ से कोई आकर के अगर आपका भी बुरा करेगा
तो आप शांति से बैठ करके उसके लिए अकेले में बैठ करके, हो सकता है उस टाइम पे थोड़ा बहुत रिएक्ट कर दो, लेकिन अकेले में बैठ करके उसके लिए दुआएं मांगोगे अपने यहाँ पे हाथ रख के, हे भगवान उसका भला करो, भला करो, भला करो, ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी आपके साथ। बड़ा अजीब है सुनने में, बड़ा अजीब है, लेकिन होगा। मैं अपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कसाई हो, आप में से कोई है क्या कसाई है क्या? कसाई हो और आपका काम है मुर्गे काटने का, दे दरा खाच 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 है, काम है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा ये काम सही है गलत है, मैं कोई नहीं होता इसको जज करने वाला, लेकिन अगर आपका ये काम है तो भाई भूल करके भी मेडिटेशन मत करना, मत करना, सच बता रहा हूं मैं, भूल के भी मत करना। मुर्गा आप काट रहे होगे ना, उसकी आंखों में अरे एक बार अगर आपने उसकी आंखों में देख लिया ना, आप रोने लग जाओगे, क्या काटोगे उसको, आप बंद कर दोगे अपनी दुकान को, भूखे मर जाओगे, खाने के लिए पैसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं समझ आएगा क्या करोगे, लेकिन आप काट नहीं पाओगे, प्यार नजर आएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। हाँ, एक है कि हम प्यार करने की कोशिश करते हैं, हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी कोशिश करोगे आप प्यार से उतना ही दूर हो गए, आप प्यार बन जाओगे, बीच में आए प्यार बन जाओगे, कोई आए तो सही आपको मारने के लिए, आपको उसमें भी प्यार आ जाएगा, प्यार आ जाएगा। ऐसा नहीं आप अपने आप को बचाओगे नहीं, बचाओगे, ऐसा नहीं उसको बचाने के लिए उसको मारोगे नहीं, मारोगे लेकिन प्यार से, नफरत से नहीं। धीरे धीरे होगा क्या, ऐसी स्टेज आ जाएगी आपकी जब चाह करके भी आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाओगे। और आप इस दुनिया के भले के लिए बिना बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट किए, रत्ती भर भी कुछ भी कर जाओगे, चलते रहो। ये जो चीज है ना, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। आशारा।